वी बैंड 3 ऑफ कोर्स एक शानदार डिवाइस है सिर्फ 2000 रुपए में, जिससे आप अपने स्टेप्स और अपनी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ ट्रैकिंग के नहीं बल्कि इससे आप कितना कुछ कर सकते हैं, मतलब सेल्फीज ले सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मिसप्लेस फोन को भी ढूंढ सकते हैं। आइए पता लगाते हैं दोस्तों उन ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मी बैंड 3 से रिलेटेड कुछ अमेजिंग हैक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहला हैक या फिर ट्रिक, एक्चुअली ट्रिक बोल लो हैक बोल लो जो आपको मन करे, वो है कि कैसे आप अपने मी बैंड 3 से अपने जो म्यूजिक प्लेयर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मी बैंड 2 फंक्शन बटन, और बेसिकली ये मी बैंड 2 में भी काम करता है और इसमें आपको मी बैंड 3 के लिए लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपको वहाँ पे मैक एड्रेस नहीं दिखा रहा है तो आप जो मी बैंड 3 का ऐप है वहाँ से मैक एड्रेस को कॉपी करके इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब ये दोस्तों डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, आपको इस एप्लीकेशन में जो डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर है, आप YouTube रख सकते हैं, गाना रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखा है, और उसके बाद आपको वहाँ पे सिंगल टैप एक्शन में डालना है प्ले नेक्स्ट, या फिर आप प्ले पॉज भी डाल सकते हो, जो भी आपको वहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद जब भी आप अपने मी बैंड 3 के बटन को टैप करेंगे जब वो स्लीप मोड में हो, तो वहाँ पे दोस्तों जैसा आपने देखा या तो ट्रैक चेंज हो जाएगा या फिर वो प्ले या पॉज हो जाएगा। और ये YouTube में भी आप काम लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है तो वहाँ पे भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर ऐप को थर्ड पार्टी की तरह इंस्टॉल करके ये सारी चीजें कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रिक है सेल्फी लवर्स के लिए, बिकॉज अब आप मी बैंड 3 के बटन से सेल्फीज भी ले सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको मी बैंड 2 और अमेज़फिट जो सेल्फी ऐप है आपको डायरेक्टली वीडियो के नीचे जो लिंक मिल रहा है वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको उसके लिए एक फ्री कैमरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो रिमोट है ये उसी कैमरा ऐप के साथ काम करेगा। दोनों के लिंक्स दोस्तों इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, और जब इंस्टॉल होकर आप कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको मैक एड्रेस डालना है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप वो पुराने वाले जो मी फिट 3 का जो ऐप है उससे आप ले पाएंगे, और उसमें जब आप मैक एड्रेस डाल देंगे और कनेक्ट कर देंगे तो आपको कैमरा एप्लीकेशन खोलना है और फिर अपने मी बैंड 3 के जो एक्चुअली डिवाइस को साइलेंट और नॉन साइलेंट करने वाला जो ऑप्शन है वहाँ जा करके आपको करना है लॉन्ग टैप, और इससे आप सेल्फीज ले पाओगे, या फिर अगर आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर कैमरे को रखे हैं तो आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। चूँकि मी बैंड 3 में दोस्तों डेडिकेटेड बटन नहीं है, इसलिए ये एक थर्ड पार्टी तरीका है जिससे आप सेल्फीज ले सकते हो और बहुत ही इजीली यहाँ पे आपको वो फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। अब तीसरा है क्या दोस्तों वाटर रिमाइंडर का, और मी बैंड 3 में आपको डायरेक्टली वाटर रिमाइंडर का फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं मिल रहा है। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड में डाल लें, क्योंकि बहुत सारी आपको वाटर रिमाइंडिंग एप्लीकेशंस हैं जो आपको हर एक दो घंटे में नोटिफिकेशन देती है, और हमें दोस्तों उस पर्टिकुलर ऐप के नोटिफिकेशन को यूज़ करना है। क्योंकि आप मी बैंड 3 को अगर मी फिट ऐप से सिंक करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के नोटिफिकेशन को अपने इस मी बैंड 3 में सेट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको वो जो वाटर वाला जो ऐप है उसको एप्लीकेशन को करना है इनेबल, कोई भी एप्लीकेशन हो। मैं आपको एक दो के लिंक्स इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, और फिर दोस्तों जब वहाँ पे नोटिफिकेशन सिंक होने लग जाएंगे तो आपको मी बैंड 3 में वो पानी पीने के जो रिमाइंडर है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट फीचर दोस्तों स्मार्ट अलार्म का, और ये फंक्शनैलिटी आपको डायरेक्टली मी फिट ऐप में नहीं मिलती है, और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है मी फिट मास्टर, और बेसिकली इसे आप एक जो बोलते हैं ना प्रो वर्जन समझ लीजिए अपने मी फिट ऐप का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी एडिशनल फंक्शनैलिटी मिल जाती है फ्री और प्रो वर्जन दोनों में, और इसमें एक फंक्शनैलिटी है स्मार्ट अलार्म्स जो आप डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं। और स्मार्ट अलार्म करता क्या है कि आपने समझ लो अगर 7 बजे का कोई एक अलार्म लगाया है तो 6:30 बजे से मॉनिटर करने लग जाएगा कि आपकी नींद कब कच्ची है। अगर 6:45 में आपने जैसे करवट बदल रही हो और आपकी नींद अगर कच्ची हो तो वहाँ पे ये जो अलार्म है ये बच जाएगा, और फिर आपको मतलब उठने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आप आपको स्नूज फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हार्ट रेट से रिलेटेड इस ऐप में मिल रही है। तो इस ऐप को तो पक्का से इंस्टॉल करना। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि है कि अपने खोए हुए फोन को, एक्चुअली मिसप्लेस फोन को कैसे ढूंढें। तो समझ लो आपका फोन अगर सोफे के नीचे है या फिर अलमारी के अंदर है और वो अगर साइलेंट मोड में है तो रिंग करने के जगह अपने मी बैंड 3 पे नीचे की तरफ स्वाइप करो जब वो अनलॉक हो, और जैसे ही आप देखो ऑप्शन मोर तो आपको दोस्तों करना है राइट स्वाइप, और फिर एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पे लिखा होगा फाइंड योर फोन। जैसे ही आप उसे लॉन्ग टैप करके एक्टिवेट करेंगे तो फोन साइलेंट मोड में भी रिंग होने लग जाएगा, और फिर उसकी आवाज सुनकर के आप पता लगा सकते हैं कि भाई वो एक्चुअली छुपा कहाँ है। और अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है कि कैसे आप अपने फोन को डायरेक्ट अपने
मी बैंड से साइलेंट मोड में डाल सकते हैं। तो अगर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं मीटिंग में जा रहे हो और आपको अपने फोन को डायरेक्टली साइलेंट मोड में करना है तो बस मी बैंड 3 में नीचे की तरफ स्वाइप करो जैसे ही मोर का ऑप्शन आए, और वहां पे दोस्तों अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा जहां पे है साइलेंट मोड। अगर साइलेंट मोड है तो वहां पे आपको नॉन साइलेंट मतलब साइलेंट मोड से हटाने का ऑप्शन मिल जाता है और आपको करना है सिर्फ लॉन्ग टैप और फोन को बिना पॉकेट से निकाले, ये काम आसानी से हो जाएगा, है ना कमाल की बात। और हम दोस्तों बढ़ते हैं फाइनल ट्रिक की तरफ जो कि है स्मार्ट नोटिफिकेशंस। तो आप अगर अपने मी फिट ऐप को यूज करते हो और अगर किसी भी ऐप को थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन एक्सेस देते हो जैसे व्हाट्सएप हो गए या फिर जीमेल वगैरह, तो सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन है ना एक के बाद एक दे देगा। बट अगर आप वही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो हमने इस वीडियो में बताया है जिसका नाम है मी बैंड मास्टर, तो वहां पे अगर आप नोटिफिकेशन सेट करते हो तो व्हाट्सएप के पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स के मतलब अगर आपको सिर्फ अपने एक कॉन्टैक्ट का नोटिफिकेशन चाहिए और बाद बाकी के स्पैम मैसेजेस नहीं चाहिए वो जो ग्रुप्स में आते हैं, तो वो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी और वो बाद बाकी का कचरा है वो हो जाएगा फिल्टर। तो दोस्तों ये थे कमाल के हैक्स जो एज अ मी बैंड 3 यूजर्स आपको पता होने चाहिए। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आए, इसके पीछे अगर हमारी जो मेहनत लगी अगर वो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो जरूर करना हमारे चैनल GT हिंदी एक्चुअली द्वारा पूरा सब्सक्राइब कर लेना। और बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।